तो गाइस हमने एक पोल अपलोड किया था रिसेंटली, हम पूछ रहे थे कि हम कौन सा चैलेंज करें और आपने सबसे ज्यादा वोट्स दिया लिविंग इन अ रूम फॉर 24 आवर्स के लिए। तो आ गए आज हम एक रूम में कैद आप लोगों के लिए। तो आज हम आपके लाए हैं लिविंग इन अ रूम फॉर 24 आवर्स। तो हम इसी रूम में रहेंगे और हम उसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्वारंटाइन ऑलरेडी चल रहे तो हम घर में बैठे बोर हो रहे हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते और उसके अलावा हम लोग रूम से भी बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, तो हमारी लक्ष्मण रेखा है जिससे बाहर जेल, हम लोग जेल के अंदर बंद है, हमने क्या गुनाह किया। लेकिन ये जेल बहुत अच्छा है, हमारा टीवी एसी ये टेडी बेयर सब 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 है। तो आज आप देखोगे मतलब ये हमारा रूटीन टाइम वीडियो हो गया, बस इसमें क्या आपको पता चलेगा कि हम एक रूम में क्या कर रहे हैं। हाँ गाइस, और देखो हम लोग ने सब इतना सामान लेके आ गए हैं, गिटार सब, रूबिक्स क्यूब फास्ट सॉल्व। तो गाइस चलो अभी चैलेंज शुरू करते हैं, अभी 9 बज के गए 10 बजने वाला है और अभी हमारा ऑनलाइन क्लास आने वाला है। थैंक यू दैट गुड नाइट, वेलकम टू आवर स्वीट लिटिल आप जानते हो। मम्मी ने कहा कि इस रूम के बाहर बिल्कुल निकल ही नहीं सकते, तो सारा सामान हमने सुबह से पहले से जो हमें चाहिए वो रख दिया है और जो सामान नहीं है वो इसी रूम में कहीं है। तो गाइस जैसे आप जानते हो गिटार तो इस रूम में रह गई है, गिटार मैं आज आपको सिखाऊंगी जो करना है करेंगे हम गिटार के साथ। ये देखो गाइस ये हमारा कॉर्नर है क्रिएटिव मेरे बेड साइड का, ये एक कप है हमारा, ये देखो ये कप हमें मिला था हमारे बर्थडे के दिन, हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने हमें दिया था। तो ये हमारे क्रिएटिव लिटिल कॉर्नर में है जो मेरे साइड ऑफ बेड का है। और गाइस देखो ये ग्लोब है और ये देखो गाइस ये इससे कुछ याद आता है आपको, ये हमारे मोस्टली बहुत सारे हॉरर वीडियोस में आया है, वो कौन सा वीडियो था, ट्रिक और ट्रीट वीडियो में आया था, तो वीडियो आप जरूर चेक करना, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सोडे एनर्जी आ गई इस रूम में रह के, हमारा पिंक लिटिल रूम में रह के आ गई अनुष्का। तो गाइस हमारा ये रूम आयुष्का ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका खुद का पार्ट, और ये देखो अनुष्का का फेवरेट, इन छुट्टियों में अनुष्का गिटार सीख रही है मुझसे, छुट्टियों नहीं लॉकडाउन में। तो गाइस वेलकम टू आवर डेस्क जहां आपने देखा कि हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो गाइस ये देखो ये है मेरा कंप्यूटर, प्यारा प्यारा कंप्यूटर हमारा, हाँ जो भी जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा ही है। एग्जैक्टली, तो ये हम दोनों का कंप्यूटर है, इसे हम लोग वीडियोस देखते हैं कभी कभार, हम मूवीज नेटफ्लिक्स, आज हम इसी में बहुत सारी सब चीजें करेंगे, इधर बैठ के पूरा मूवी टाइम हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं इस रूम में। तो गाइस ये था हमारा डेस्क और अभी हम आगे जाते हैं ये फोटो फ्रेम पे, ये फोटो फ्रेम हमारा पहला एलॉय कॉन्सेप्ट में, ये जो लड़की दिख रही है ना इधर वाइश का ग्रेट है, ये हमेशा फर्स्ट लाइन में रहती थी एनुअल कॉन्सर्ट। मैं बचपन से ही बहुत अच्छी थी डांस में और अनुष्का को डांस में इंटरेस्ट ही नहीं था बचपन से ही। मैं आपको दिखूंगी नहीं, थोड़ा लास्ट लाइन में यहाँ पे भी मैं हूँ, देखो इधर इतने सारे हैं, ये देखो आयु इधर डांस कर रही है, ये देखो इसमें कितनी क्यूट थी यार तू, उसमें हमें कुछ टेलीस्कोप मिला था वो पहले हमें देखी थी, ऐसे ज़ूम करके मैं सबको देख रही थी अभी तक, क्या बहुत मजा आया था। और गाइस देखो मैंने ये लाया है टिकटॉक बनाने के लिए, जनता को मेरे साथ बनाना होगा आज। तो ये है टिकटॉक का लाइट हमारा रिंग लाइट, तो गाइस इसका तो फोटो फ्रेम भी बना सकते, देखो जा जा मुड़ा यो। तो गाइस अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारा ये स्कूल बंद है, तो अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। गाइस आज हमारा क्लास 10:30 से, क्योंकि आज है गुड फ्राइडे, तो नहीं तो अगर गुड फ्राइडे नहीं होता तो हमारा क्लास 9 से 12 होता, तो इसकी पता है क्या बात अच्छी है कि हम आपके साथ और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये अभी हमारे टीचर आए नहीं है, वो आएंगे तो हमारा मीटिंग चालू होगा, मतलब हमारा क्लास चालू होगा। हमारी क्लास खत्म हो गई और अभी 11 बज गया है, अभी हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है, मुझे ऑलरेडी इतनी भूख लगी है। चलो मम्मा को बुलाते हैं, कुछ खाना मांगते हैं, फिर हम आपके साथ खाते खाते प्लानिंग करिए कि आज पूरा दिन हम इस कमरे में बंद होके क्या करेंगे। तो गाइस अभी हमारा नाश्ता आ गया, 11 बज गया, तो मैं चोकोस दूध पी रही हूँ,
खा रही हूँ एक्चुअली दूध और चोकर्स, तो पीऊंगी और खाऊंगी दोनों। और फिर आयु तू क्या खा रही है? मैं खा रही हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है मोस्टली विद फ्रूट्स बनाना एंड एप्पल। मुझे चोकोस दूध बहुत यम्मी लगता है, एकदम चॉकलेटी और यम्मी। और मम्मा ने हमारे लिए फ्रेश वाटरमेलन जूस बनाया, मेरा फेवरेट जूस है। अनुष्का तो हमेशा चोकोस ही खाती है बच्चों की तरह, मैं ही हेल्दी खाती हूँ। चलो खाते हैं खाते हैं खाते हैं। हैंड वॉश किया? तो गाइस अभी कोरोना चल रहा है तो हमें हैंड वॉश करना होगा क्योंकि हाइजीन रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो हैंड वॉश करके हम आते हैं। तो गाइस हमने हैंड वॉश कर लिया एकदम अच्छे से, हमने अपना हैंड क्लीन कर लिया ऐसे 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 करके। तो अभी खाते हैं गाइस। हमारा ब्रेकफास्ट तो हो रहा है लेकिन हम आपके लिए से की आवाज की प्रॉब्लम ना हो हम फैन ए सी सब बंद करके रखते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी मैनेज कर लेते हैं। गाइस जरूर लाइक करना क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम 24 आवर्स एक ही रूम में बिताएंगे गाइस। चीयर्स गाइस। वाटरमेलन जूस ठंडा नहीं पीने का क्योंकि कोल्ड हो सकता है, और कोल्ड होगा तो दूसरे लोगों को आपको बोलेंगे आपको कोरोना हो गया है। तो उसका भी हम प्लानिंग करने वाले कि हम क्या करने वाले हैं। तो मेरे मुताबिक पहले हम मूवी देखेंगे 3 बजे तक या 2 बजे तक, उसे हमारा मतलब थोड़ा टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग गिटार सीखेंगे कुछ देर और अभी हम देखेंगे मूवी। तो गाइस टाइम पास करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मूवी देखना, 2-3 घंटे आराम से मूवी देखो तो भी हम मूवी देखेंगे। मेरी फेवरेट है तेरा कौन है? छोटा कौन है ना? हाँ वाला। तो गाइस अभी मूवी खत्म हो गई है और अभी हम जाने वाले खाने। मम्मा खाना ला रही और आयुष का हाथ धो लिया हमेशा की तरह और मैं तो धो के आ गई। तो गाइस मिलते हैं आपको खाते समय, ये तो खाने के बाद। तो गाइस अभी 3 बज गए, हमने हमारा लंच कर लिया, अब हम डेजर्ट खा रहे हैं। ये डेजर्ट बहुत ही अमीर 3 इंग्रेडिएंट्स वाला है और मम्मा ने इसको अपने चैनल में अपलोड भी किया है। और सोचो क्या है, मैंने शूट किया है तो अब उस वीडियो में जाओ बताना कैसे किया है मैंने शूट। हाँ गाइस बहुत 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 अच्छा केक है, कौन सोच सकता है कि 3 इंग्रेडिएंट में इतना अच्छा केक बन सकता है, वो भी सिर्फ टूटे फूटे बिस्किट्स के साथ। मैंने ट्राई भी कर लिया, बहुत मैंने रुकी ही नहीं, एकदम चॉकलेटी सा है और थोड़ा बहुत क्रंची भी है। तो गाइस हमने केक खा लिया, बहुत ही अमा था, खाने के बाद तो मजा ही आ गया, अब तो मन कर रहा है कि वापस आ जाए खा जाए। हाँ गाइस अभी 3 बज गए, टाइम पास करने को भी नहीं हो रहा है, हमने मूवी देख लिया, हमने खाना खा लिया, मन कर रहा है बाहर जाके अपने मॉम के साथ खेले हम लोग। मॉम के साथ खेले? हाँ हम लोग खेल तो सकते हैं बीबी। तो गाइस मम्मी ने हमारे लिए ये गद्दा लेके आ गई जिसके हम इसमें भी बैठ के आराम से मस्ती कर सके। तो ये देख सकते हो अब रूम पूरा मैसी हो गया है, तो अभी इसको बनाना हमारी ड्यूटी है। गाइस अभी हम थक गए, पूरा रूम आप देख सकते हो बना दे मेसी था। हमारे पास अभी गिटार है, गेम्स खेलने के क्या ऑप्शंस है, अभी हमने सेटअप कर लिया, अभी हम चेस खेल रहे हैं। देख मैं तेरे 3-3 को मार रहा हूं, तो गिनने भी मत बैठ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे अभी बेसिकली, तो हमने 2 घंटे कैसे भी बोर्ड गेम के साथ टाइम पास कर लिया, अब हम थोड़ा जिम के साथ करेंगे 5:30 तक 6 बजे तक टाइम पास, वो देखा जाएगा। चलो और ये टेबल मम्मी ने हमें दिया है डालने के लिए क्योंकि जेंगा को मतलब एक फ्लैट एक फ्लैट जगह चाहिए। गाइस देखो ये जो रेड है इसमें डेयर रहेगा और ग्रीन में त्रुत रहेगा, तो त्रुत एंड डेयर जेंगा। सो गाइस ये जेंगा रेडी है और स्टार्ट करने वाला है रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। तो मैं शुरू करूंगी। से द अल्फाबेट बैकवर्ड्स, तो मतलब से द अल्फाबेट को बैकवर्ड्स में बोलना है, तो इट विल बी टेबा पल्ला टेबा हपला। तो गाइस इसका ये भी रूल है कि आप सिर्फ एक हाथ यूज कर सकते हो। हाँ तो मुझे भी रेड मिला है, तो इसमें लिखा है सिंग अ फनी सॉन्ग। ओह नो मैं लड़की सबसे अच्छी लड़की ये है, बहुत फनी है क्योंकि सच है ही नहीं। चलो अभी हम लोग गाइस आगे जाते हैं, अभी हमारे मस्ती को होते हुए 6 बज गए, तो अभी मुझे गिटार लेसन चाहिए मेरे, तो इसको भगा दो यहाँ से। तो
गाइस तो अनुष्का को मैं गिटार लेसन देने वाली हूँ. अभी सीख ही रही हूँ. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में खो जाए हम. गाइस जैसा आप देख सकते हैं सनसेट होने वाला है, 6:30 फाइनली हो गया और हम बहुत थक गए हैं. तो अभी हमने बहुत सारे गेम्स खेले, कैसे करके टाइम स्पेंड किया. हमारी हालत बदली हुई है एक रूम में रह के, लेकिन ये अच्छी बात है कि इधर इतना अच्छा बालकनी कि हम बाहर बैठ के फ्रेश एयर ले रहे हैं. तो अभी हमारा हाँ गाइस आप देख सकते हो कितनी अच्छी हवा चल रही है, हमारे बाल भी सारे उड़ रहे हैं. मुझे अपने बालों से पकड़ना पड़ रहा है बार बार. ब्लो ड्रायर से उड़ाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है इधर. तो गाइस अभी हम लोग आपको डायरेक्ट डिनर के बाद 9 बजे मिलेंगे, क्योंकि अभी हम होमवर्क करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे. गाइस हमें अक्सर रात को आसानी से नींद नहीं आती है, तो हम बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब नींद आती है तो सो जाते हैं. तो ये देखो, ये आयु ने बुकमार्क बनाया था मेरे लिए, लेकिन डिजाइन और पैटर्न मैंने ही ढूंढा था. ये देखो गाइस, मेरा बुकमार्क ये मैंने खुद बनाया था. और गाइस मैं तो बुक पढ़ रही हूँ, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. बहुत अच्छी बुक है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे है और थोड़ी साइंटिफिक भी है, इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग. आयु को एक्चुअली साइंस बहुत पसंद है, इसके लिए उसको बहुत मजा आता है इसे बुक पढ़ने में. क्योंकि इंटरेस्टिंग भी लगती है, साइंटिफिक है गाइस. गाइस मैं पढ़ रही हूँ तो वन थिंग ये बिजनेस केयर में, कि आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ाए, मतलब लाइफ में जो डेली गोल्स बनाते हैं उसको कैसे अकम्प्लिश करें. तो गाइस हम ना 9 बजे तक हमने अपना होमवर्क किया, फिर हम लोग डिनर किए, फिर हम थोड़ा देर वॉक किए अपने ही रूम में, इधर रोटेट किए 2-3 बार, जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो, क्योंकि हम घर पर मूव नहीं कर सकते थे. जब सोचे कि चलो बाहर जाते हैं मम्मा पापा के साथ गेम खेलते, तो हम सोचे और यार टीवी भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमें कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करना, और बाहर तो करते ही नहीं जा सकते थे. अक्सर अगर कोई इंसान बोर होता है फ्रिज खोल के देखते हैं कुछ है कि नहीं खाने को. अब तो वो भी नहीं है, तो हम क्या देखते हैं अपना कबर्ड खोल के. हाँ गाइस, वो लक्ष्मण रेखा हम लोग बाबा सोचते हैं चलो बाहर जाते हैं, फिर याद आता है नहीं नहीं चैलेंज करें, चैलेंज को रखना ही होगा. आयु लक्ष्मण रेखा नहीं, अनु आयु रेखा. तो गाइस अभी हम बहुत थक गए, तो अभी मैं तो जा रही हूँ सोने. और चलो गाइस हम आपको मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तक तो के बाय. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो हम लोग अभी सो के उठ गए हैं, रात को एकदम अच्छी नींद आई. यस्टरडे तो कैसा कुछ तरह से मैं नहीं पता है, एक ही रूम में बंद हुए थे हम लोग. अब मैं तो 9 बजे तक रुक नहीं सकती हूँ, बस उस लक्ष्मण रेखा आयु अनु रेखा को पार करने के लिए. तो गाइस अभी हम आपको मिलते हैं फ्रेश होने के बाद, बाय. मैं तो थक गई. गुड मॉर्निंग अनु आयु. गुड मॉर्निंग मामा. ये देखो बेड पर आ जाओ, मैंने बेड बन गया रेडी. हाँ तो ये लो. अभी तो यशवी तो काम ही नहीं मिल रहा था, अब तो काम से भरे सोच रहे कब फ्री टाइम रहे. लेकिन गाइस अपनी मम्मा की मदद करो इस लॉकडाउन में, बोर मत हो. हाँ मैं वॉइस स्टोरी भी रिसेंटली अपलोड हुआ कि मम्मी की मदद करना चाहिए, तो उसे जरूर चेक करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलो मैं किंग कॉन्ग झाड़ू के साथ चालू कर दे, किंग कॉन्ग झाड़ू. गाइस हम अभी 8:50 को आपसे मिलते हैं नहाने के बाद, हमारे कुछ ही देर में चैलेंज खत्म होने वाला है. तो गाइस अभी हम नहा के तैयार हो गए हैं और फाइनली अभी हमारा चैलेंज ओवर हो गया है. 24 आवर्स हमने स्पेंड कर लिए, जैसे आपने बोला था हमने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया. हाँ गाइस अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग तो बस रूम के बाहर निकलने की देरी है. गाइस हमने बहुत मेहनत की, मतलब एक रूम में 24 आवर्स रहना बहुत मुश्किल होता है. तो प्लीज हमारी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 50K लाइक्स तक पहुंचाना. और अगर आप 50K लाइक्स पहुंचा दोगे तो हम करेंगे लिविंग इन अ टेंट फॉर 24 आवर्स. मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा, मम्मा पापा हमें बोल रहे कि चलो अभी हम लोग साथ मिलके खाते हैं, फाइनली हम अपने डाइनिंग टेबल पे खाएंगे. बाय गाइस. तो फाइनली उस लक्ष्मण आयु अनु रेखा को पार करने जा रहे हैं. चलो मजा, फाइनली हमारा बची है.
गाइज हमें इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पे फॉलो कर देना बिहाइंड द सीन्स और फनी वीडियोस देखने के लिए. बाय बाय. 3, 2, 1 एक्शन. हे गाइज, आप लोग कैसे हो? मैं बोल देती हूँ. हे गाइज, कैसे हो? आज पर किया क्या?